क्योंकि पतंजलि का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और वहां पर आज बाबा रामदेव और बालकृष्ण की पेशी हुई है, और न सिर्फ पेशी हुई है बल्कि बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट के आगे माफी मांगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपकी ये माफी पर्याप्त नहीं है, आपकी माफी से कुछ होगा नहीं। बाबा रामदेव की तस्वीरें सीधा सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए, चूंकि अब अगली जो सुनवाई का दिन है वो 10 अप्रैल दिया गया है और 10 अप्रैल को भी बाबा रामदेव और साथ में बालकृष्ण को पेश होना होगा। साथ ही ये कह दिया है कि हलफनामे के लिए आपको एक और मौका जरूर देते हैं, लेकिन जो अभी तक की अपनी सफाई पेश की गई है पतंजलि की तरफ से, बाबा रामदेव की तरफ से, आचार्य बालकृष्ण की तरफ से, वो नाकाफी बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। सख्त लहजा अभी भी बरकरार है। बाबा रामदेव और पतंजलि को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोविड का वो टाइम जब आपने अपनी दवाओं से इलाज का दावा किया था, कैसे आप लोगों के साथ ये भ्रम कर सकते हैं, भ्रामक विज्ञापन आपके लगातार चलते रहे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी केंद्र सरकार से पूछा है कि जिस वक्त ये विज्ञापन चल रहे थे, जिस वक्त ये दावा किया जा रहा था, उस वक्त केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए। यानी कि सख्त टिप्पणी, सख्त लहजे में बात पतंजलि को लेकर, आचार्य बालकृष्ण को लेकर, बाबा रामदेव को लेकर तो की है, लेकिन केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये पूछा है कि जिस वक्त भ्रामक विज्ञापन चल रहे थे उस दौरान आपने क्या एक्शन लिया था, आपका कदम क्या था। अब 10 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई का दिन है। अभी कोर्ट से निकलकर जाते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जब सवाल पूछा जा रहा है मीडिया के जरिए तो कुछ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं आचार्य बालकृष्ण भी और बाबा रामदेव भी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा था भ्रामक विज्ञापन तुरंत हटाए जाएं, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उल जुलूल बातें एलोपैथ को लेकर की गई थी, बाबा रामदेव के जरिए उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है।